हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड देखने वाले हैं। ये मेथड हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए। आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है, ऑब्टेन द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो ये हमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का सॉल्यूशन कैसे निकालना है, इसलिए मैंने ये प्रॉब्लम कंसिडर किया है। अगर आपको कौन सा भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, तो आपको पहले ये चेक करना है टोटल डिमांड इज इक्वल टू टोटल सप्लाई है या नहीं, वो हम पहले चेक करेंगे। तो हम इसकी एडिशन कर देते हैं, 9 + 1 + 10 = 20, सप्लाई की एडिशन कर दी, डिमांड की एडिशन 7 + 8 + 3 + 2 = 20। तो ये हमारा टोटल डिमांड इज इक्वल टू टोटल सप्लाई है, तो हमारा प्रॉब्लम बैलेंस है। कोई भी प्रॉब्लम बैलेंस है तभी हम सॉल्व कर देते हैं। अगर प्रॉब्लम बैलेंस नहीं हो तो हमें वो पहले बैलेंस करना चाहिए। तो यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है बैलेंस करने की, क्योंकि दिया हुआ प्रॉब्लम बैलेंस है। तो ये हम कैसे सॉल्व करेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से, वो हम देखेंगे। तो पहले हम प्रॉब्लम रिप्रेजेंट कर देते हैं सॉल्व करने के लिए। Bird on a tree, I'm just sitting here, I got time. तो यहाँ पर मैंने ये दिया हुआ प्रॉब्लम है वो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पर जो उन्होंने दी हुई है वो हमें कॉस्ट है, वो मैंने कॉस्ट स्क्वायर में डाल दी है, 3, 11, 7। ऐसे मैंने प्रॉब्लम सिर्फ रिप्रेजेंट किया है मुझे सॉल्व करने के लिए। तो हमें अलोकेशन निकालना होता है, ये जो दी है उन्होंने वो हमारी क्या है, प्राइस है। तो हमें अलोकेशन निकालना है। तो यहाँ पर हमें कौन सी मेथड यूज़ करनी है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में क्या होता है, जो हम अलोकेशन स्टार्ट करते हैं वो हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से ही हम स्टार्ट करते थे। हमारा प्रॉब्लम जो दिया हुआ है उसकी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मीन्स आपका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की जो सेल है वहीं से आपका प्रॉब्लम ऑलवेज स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर उस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये जो हमारी सेल है, उसका डिमांड और उसका सप्लाई आपको चेक करना है। यहाँ पर डिमांड है 7, सप्लाई है 9, तो उस दोनों में से मिनिमम क्या है, तो 7, तो हम 7 का अलोकेशन कर देंगे। हमने अगर 7 का अलोकेशन कर दिया तो वो माइनस हो जाएगा, डिमांड में से 7 - 7 = 0 और सप्लाई में से भी माइनस हो जाएगा जो हमने अलोकेशन किया है। क्या माइनस 7 क्या बचा, 2। तो यहाँ पर आप अलोकेशन कर देने के बाद आपका डिमांड और सप्लाई एक तो ज़ीरो होगा ही, क्योंकि हम मिनिमम अलोकेशन कर रहे हैं। जो ज़ीरो हो रहा है उसके अप्रोप्रिएट जो सेल है वो हमें कैंसिल कर देने। तो यहाँ पर मेरा डिमांड ज़ीरो हुआ है, तो यहाँ पर ये जो मेरा कॉलम है उस कॉलम में से ये जो दो अप्रोप्रिएट सेल है वो मैंने कैंसिल कर दिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम वहाँ पर हमें अलोकेशन नहीं करना है। उसके बाद हम कौन से सेल को मूव हो गए, हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो हम आइदर नेक्स्ट सेल को मूव हो सकते हैं, अदरवाइज डाउन सेल को मूव हो सकते हैं। हम डायगोनली यहाँ पर मूव नहीं हो सकते। अगर हमें नेक्स्ट सेल को मूव होना है, अदरवाइज डाउन सेल को मूव होना है, हमें डायगोनली मूव नहीं होना है। तो यहाँ पर मैं डाउन मूव नहीं हो सकती, तो मैं नेक्स्ट सेल को मूव हो रही, तो मेरा नेक्स्ट सेल क्या है, 3, मीन्स फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम पे मैं मूव हो रही हूँ। तो यहाँ पर फिर से वही हम चेक कर देंगे, सप्लाई क्या है मेरा 2 और डिमांड क्या है 8, उन दोनों में से मिनिमम क्या है, तो 2 का मैंने अलोकेशन किया, अलोकेशन जो किया है वो मैं सप्लाई और डिमांड में से माइनस कर दूंगी, 2 - 2 = 0, 8 - 2 = 6। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरा सप्लाई 0 हुआ। तो यहाँ पर जो मेरे बचे हुए दो रोज़ के सेल है वो मैं कैंसिल कर दूंगी। तो यहाँ पर मुझे नेक्स्ट सेल को मैं नहीं मूव हो सकती, तो मैं कौन से सेल को मूव होगी, डाउन सेल को मूव हो जाऊंगी। तो यहाँ पर फिर से मैं अप्रोप्रिएट सप्लाई और डिमांड चेक करूंगी, डिमांड है 6, सप्लाई है 1, दोनों में से मिनिमम क्या है, 1 का मैंने एलोकेशन कर दिया, 1 - 1 = 0, 6 - 1 यहाँ पर बचा 5। फिर से मेरा यहाँ पर सप्लाई 0 हुआ है, तो मेरा ये जो रो है, रो में से रिमेनिंग सेल है वो मैं कैंसिल कर दूंगी। फिर से यहाँ पर नेक्स्ट सेल को मैं नहीं मूव हो रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने कैंसिल कर दिया, तो मैं डाउन सेल को मूव होगी, तो यहाँ पर आ जाऊँगी मैं। यहाँ पर
मेरा डिमांड है 5, सप्लाई है 10, तो दोनों में से मिनिमम क्या है 5, 5 का मैंने अलोकेशन कर दिया, 5 माइनस 5 0, डिमांड में से माइनस कर दिया और सप्लाई वैसे में 10 माइनस 5 5 बचे। उसके बाद यहाँ पर मेरा 0 हुआ है, लेकिन यहाँ पर कट करने के लिए, कैंसिल करने के लिए कोई भी सेल नहीं है, तो मैं नेक्स्ट सेल को मूव हो जाऊँगी, क्योंकि डाउन के लिए डाउन सेल को मैं नहीं आ सकती। तो यहाँ पर फिर से मैं चेक करूँगी डिमांड क्या है 3, सप्लाई क्या है 5, दोनों में से मिनिमम क्या है 3, तो मैंने 3 का एलोकेशन कर दिया, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 3 2। उसके बाद मैं नेक्स्ट सेल को मूव हो रही हूँ 2, यहाँ पर डिमांड भी 2 है, सप्लाई भी 2 है, तो मैंने 2 का एलोकेशन कर दिया, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0। तो यहाँ पर ये मैंने एलोकेशन निकाल लिए यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से। तो उसके बाद हमें ये भी चेक करना है कि दिया हुआ सॉल्यूशन IBFS है या नहीं। यह अगर आपको चेक करना हो तो हम कैसे चेक करेंगे, टोटल उसका फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ अलोकेशंस इज इक्वल टू m प्लस n माइनस 1 हो तो हम कहेंगे दिया हुआ सॉल्यूशन IBFS है। तो टोटल नंबर ऑफ अलोकेशन, कितने अलोकेशन किया अभी हमने, 1 2 3 4 5 6, और m प्लस n माइनस 1 मीन्स रो प्लस कॉलम माइनस 1, यहाँ पर मेरे रो 3 है, कॉलम है 4, 3 प्लस 4 7, 7 माइनस 1 क्या हुआ 6। तो दिया हुआ प्रॉब्लम क्या है हमारा, गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज, हम लिख सकते हैं IBFS, IBFS मीन्स इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। उसके बाद हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालनी है, तो यहाँ पर हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का है फॉर्मूला है, फॉर्मूले से हम निकालेंगे XIJ इंटू CIJ, XIJ मीन्स जो हमने अभी एलोकेशन निकाला है वो, और CIJ जो उन्होंने कॉस्ट दी है वो, उसका मल्टीप्लिकेशन करके हमें समेशन करना है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हम Z से डिनोट कर देते हैं, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, 7 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 15 प्लस 2 इंटू 9। तो इस सब का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारी कॉस्ट आएंगी 123। ये 123 हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, और ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से निकाली है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।